प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज है, जहां सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, साथ ही साथ वर्चुअल रैली कर रही हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। हम इस वक्त भाजपा कार्यालय लखनऊ में हैं, एक स्टूडियो यहां पर बनाया गया है जिसकी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको। ठीक सामने देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सब तमाम लोग जुड़ेंगे। और खासकर जो आज का जो विजन है, आज की जो प्लानिंग है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस तरीके से युवाओं को इसमें जोड़ा जाएगा, लाखों युवा इसमें आज जुड़ेंगे, पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर स्टूडियो बनाया गया, यहाँ से मुख्य डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी जुड़ेंगे। तो तमाम जो नेता हैं वो अपनी पार्टियों को लेकर के जिस तरीके से लगातार प्लानिंग चल रही भाजपा की कि उनकी जो योजनाएं सरकार की हो जन जन तक पहुंचे, जो युवा यूथ है या सब या तमाम जो इस सब जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आज यहाँ पर स्टूडियो में जिस तरीके से दिनेश शर्मा जुड़ेंगे और साथ ही साथ लगातार और शहर से भी जो नेता हैं वो जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे एक संदेश दिया जाएगा कि भाजपा किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से प्लानिंग है और क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से। मनीष जी हमारे साथ में, मनीष जी किस तरीके से तैयारी की गई है आज की जो वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री की। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश की पांच जिलों की, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर की 21 विधानसभाओं के लोगों को इस जन चौपाल के माध्यम से संबोधित करने वाले हैं। इसके लिए हमने 98 स्थानों पर LED वगैरह लगा के चुनाव आयोग की अनुमति से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए व्यवस्था की है, जहां पर लगभग 48 से 49 हज़ार लोग जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख भी अलग अलग स्थानों पर वर्चुअल माध्यम से, TV के माध्यम से और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से इस जन चौपाल में सहभागिता करेंगे। हमने इन विधानसभाओं की, 21 विधानसभाओं के स्मार्टफोन धारक जो हैं उनको भी लिंक भेजकर आमंत्रित किया है कि वो हमारी जन चौपाल में सम्मिलित हों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुने। मनीष जी, मैंने हमारे संवाददाता पश्चिम में बता रहे थे कि जो यूथ है उसके अंदर काफी उत्साह है प्रधानमंत्री की जो वर्चुअल रैली सुनने को लेकर के, अपने मोबाइल में ऐप ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? स्वाभाविक सी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में देश में युवाओं के लिए, नौजवानों के कल्याण के लिए जो कार्य हुए हैं उनसे स्वाभाविक रूप से उनका जुड़ना, उनसे प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका जो भाव है वो हर समय नजर आते रहे समय समय पर। और आज भी इस वर्चुअल रैली को लेकर खाली युवाओं में तो उत्साह है ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जन जन में उत्साह है कि वो प्रधानमंत्री जी को आज सुनेंगे वर्चुअल प्लेटफॉर्म से। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि पहले फेज में चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री को वर्चुअल रैली करना कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाएगा और लोकप्रिय चूंकि प्रधानमंत्री हैं, सभी युवा वर्ग की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, सभी उनको स्नेह देते हैं और लगातार उनकी प्रशंसा भी करते हैं। गर्वसन आशीष वर्मा के साथ अनूप सिंह, जनता TV लखनऊ।